सब जिस तरह की मीडिया में खबरें चल रही है, ये कहा जा रहा है कि साक्षी मलिक ने आंदोलन से बैकआउट कर लिया है और उन्होंने अपनी ज्वाइनिंग कर ली है, क्या कहना चाहिए? कोई भी आंदोलन वापिस नहीं लिया है, आंदोलन प्रॉपर तरीका से चला हुआ है। ये एक दो दिन जैसे मुगलाना में यूपी में कुरुक्षेत्र में जो पंचायत हुई है, इसमें मुगलाना पंचायत में बजरंग पूनिया पहुंचा है, उसने एक ही रिक्वेस्ट करी है सब खा प्रधानों से, ये आंदोलन है इसको एक हम बड़ा आंदोलन बनाएं और सब जितने भी हमारे किसान नेता हैं, जितने भी कोई बड़े बड़े आंदोलनकारी हैं, उनको ये आग्रह किया है। हम एक कॉल देंगे एक या दो दिन के भीतर भीतर, उसके बाद में ये जितने प्रधान है सब इकट्ठे होंगे, उसके बाद में जो फैसला लिया जाएगा वो बड़ा बहुत बड़ा फैसला लिया जाएगा। जिस तरह की खबर चल रही है उसके बारे में क्या? ये सब झूठी खबरें हैं, आंदोलन अब भी जारी है और जारी रहेगा। तो क्या क्योंकि जिस तरीके की बातें सामने आ रही थी, अमित शाह की साथ मुलाकात भी हुई थी, तो क्या बातचीत हुई अमित शाह की मुलाकात? अमित शाह की मुलाकात हुई थी बजरंग पुनिया, साक्षी मलिक, विनेश फोगाट उस मुलाकात में पहुंचे। इन तीनों ने एक ही डिमांड रखी है, सबसे पहले दो डिमांड रखी है, एक डिमांड ये है सबसे पहले ब्रजभूषण गिरफ्तार होना चाहिए, दूसरी डिमांड ये है जो भी ये फेडरेशन में है इन इन पर अच्छे इंसान, ईमानदार इंसान फेडरेशन में होना चाहिए, इनकी दो ही डिमांड है। एक डिमांड पर तो चलो उसने अमित शाह ने कही है फेडरेशन पर बढ़िया आदमी दे देंगे, पर इनकी पहली डिमांड यह है सबसे पहले ब्रजभूषण अंदर हो, आगे बात दूसरी बात जब चलेगी। तो क्या आंदोलन कंटिन्यू है? तो आंदोलन अब भी चालू है और आंदोलन चालू रहेगा। क्या साक्षी ने वैसे रेलवे ज्वाइन कर लिया है? कोई रेलवे ज्वाइन नहीं किया है, वह एक जिम्मेवार पद पर है, जिम्मेवार पद पर होने के कारण वो एक आध बार जैसे कोई दस्तक है, कोई सी बड़ा काम है उसके लिए गई होगी, उसने मतलब कोई जवानी नहीं करी है। यो पद ऐसा है उसमें एक आध बार जाना पड़ता है, जो इससे बड़े जो इस साक्षी से बड़े जो अधिकारी है जो बुला ले तो अधिकारी की बात को मना नहीं किया जाता। तीनों पहलवानों का फैसला था कि तीनों मीटिंग में इकट्ठे गए थे, बातचीत में हाँ तीनों पहलवान गए थे, साक्षी मलिक मलिक और विनेश फोगाट। तो जो मानते हैं कि जो बातचीत हुई है सकारात्मक होगी, इससे कुछ नतीजा निकलेगा, सॉल्यूशन होगा? नतीजा तो हम जब माने ना, जो बच्चे कह रहे हैं सबसे पहले नतीजा तो यही मानते हैं, उसको गिरफ्तार कर दो, उसी उसके बाद आंदोलन खत्म हो जाएगा। ये तो कह रहे गिरफ्तार को दिन न किसी प्रकार का कोई लोभ नहीं, इनका भविष्य है, इनका भविष्य दाव पर लगा हुआ है, ये अपनी लड़ाई लड़ रही है, बच्चों की लड़ाई लड़ रही है, और ये चाहे आंदोलन 10 दिन चले चाहे 1 साल चले, आंदोलन कंटिन्यू जारी रहेगा। ये आंदोलन बहुत बड़ा रूपरेखा लेगा, जैसे सारी खा पंचायती इकट्ठी होंगी तो आंदोलन बहुत बड़ा होगा। तो मैं सरकार से आग्रह करता हूँ, इससे पहले इसको ब्रजभूषण को अंदर दो और ये बच्चे अपना आंदोलन खत्म करके आप अपने प्रैक्टिस करें। या सरकार ये मेरी बात मान ले तो मैं सरकार को हाथ जोड़ के नमस्ते करता अच्छा, एक बालिक लड़की थी, उसके चाचा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके तो आरोप लगाया कि साक्षी मलिक, विनेश पवार, बजरंग पूनिया उसको बहका के उसका गलत इस्तेमाल कर रहे हैं, इस तरह के आरोप लगाए। देखो बात तरह तरह की निकलती है, उसका चाचा है वो अपना भाई से खफा है, तो जैसे उसने वो झूठे डॉक्यूमेंट्स बनवाए गए और वो सोशल मीडिया पे वैसे दिखा गए, ये नाबालिग नहीं है, वो 100% नाबालिग है, बालिग नहीं है 100%। जिस टाइम पे उसके साथ ये घटना हुई है 100% वो नाबालिग थी, और उसका फादर अब भी उसी जगह पे स्टैंड है, यही कहता है मेरी लड़की नाबालिग थी। और जो जो सभी कार्ड में उन्होंने कहा कि उन्होंने बयान दिया है कि वो पलट गए हैं अपने बयानों से, और जो विड्रॉ कर गया आरोप जितने भी थे। उसका फादर ने देखो बयान दिया नहीं होगा, और को फादर नया बना के चले गए होंगे तो दूसरी क्या बात है। पुलिस के वहां से एयरपोर्ट की तरफ से ना? नहीं 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 ऐसा कोई भी बयान हमारी तो नजर में आया नहीं है, और यह बात होती तो हमारे सामने पहलवान कुछ ना कुछ बताते, न्योगा न्यू जो प्रॉपर तरीके से जो एफआई हो रही है वो न्योगा प्रॉपर तरीके से चालू। साक्षी से आपकी बात हुई होगी, बजरंग पूनिया, विनेश फोगाट भी अपनी उसी बात पे कायम है, फिलहाल आंदोलन में वो सक्रिय भूमिका निभाए। बिल्कुल बिल्कुल ये मैंने पहले भी बोल दिया, मुगलाना में जो बजरंग पुनिया पहुंचा है उसने यही कही है आप दो दो तीन दिन वेट करो, हम काल देंगे सारी पंचायतें, हम एक जगह इकट्ठा करके और इस इन आंदोलन को बहुत बड़ा बनाएंगे।